नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र के मेघला रिसोर्ट में जिस प्रकार से कीर्ति कैलाश होटल की कमरे में निवस्त्र हालत में मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है, जहां जांच के दौरान पुलिस ने युवती के परिजनों का पता लगा लिया है। वही युवती की शिनाख्त कुंडम थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। वही परिजनों को मामले में किसी भी प्रकार की जानकारी है, जहां परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी जबलपुर में रहकर कहां नौकरी करती थी, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इधर मामले में तिलवारा थाना प्रभारी LS झारिया ने बताया कि युवती पिछले 3 सालों से जबलपुर में रहकर प्राइवेट कहीं काम कर रही थी, जिसका पता परिजनों को भी नहीं है। वही पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, जहाँ युवती के साथ रिसोर्ट में रुका हुआ युवक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वही प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह गुजरात का रहने वाला है। वही युवती का फर्जी आईडी कार्ड रिसोर्ट में लगाकर रूम लिया गया था। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, कल एक युवती की होटल में लाश मिली थी, प्रथम दृष्टया अभी तक जांच में क्या क्या आया? प्रथम दृष्टया अभी जांच में तो पहले तो वो अज्ञात थी, उसकी हमने शिनाख्त किए हैं, तो शिल्पा झारिया के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। कुंडम क्षेत्र के पास किसी गांव की उसकी परिजन आ गए हैं और शव का पंचनामा करके बॉडी को PM के लिए भी भेज दिए। डॉक्टर साहब की PM रिपोर्ट के आधार पर हम अगली कार्रवाई करेंगे। सर, लड़का साथ में था, कौन है अभी तक पता चल पाया? हाँ, वो लड़का साथ में था, होटल में रुके थे, पर लड़का का नाम है पाटीदार करके नाम है, नाम भूल रहा हूँ अभी मैं। उसमें ID कार्ड में जो दिया है वो गुजरात का उसका पता दिखा हुआ है और वो फरार हो। दो संपर्क में कैसे आए इस लड़की, ये कुछ पता चला अभी तक? नहीं, अब वो परिजन भी नहीं बता पा रहे हैं और लड़की तो है नहीं। पिछले 3 साल से लड़की बोले यहाँ जबलपुर में कहीं नौकरी करती थी प्राइवेट, वो भी नहीं बता रहे कहाँ नौकरी करती थी माँ बाप लड़की की। तो ये होटल में कैसे पहुँचे, ये भी कुछ होटल वालों को बताया कि क्या रुके क्यों थे? अब वो कुछ काम से आए, बोले गुजरात का पता था और यहाँ जबलपुर काम से आए बताए। वो होटल जो होटल वालों ने है बिना आईडी के कैसे आईडी दिए है ना, वो फर्जी आईडी थी। राखी नाम की जो आईडी थी उसको तलाश की तो वो तो मिला नहीं, वो राखी नाम की लड़की सही नहीं निकली, मतलब उसके परिजनों कल बुलवाए थे हमने। ये भी बताया जा रहा है कि वो जो मृतका है उसकी छोटी बहन के मोबाइल में अभी भी फ़ोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था लगातार। नहीं, अभी इस चीज़ की जानकारी तो मुझे नहीं है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।